कौशलिया बात करते हैं कोटा नगर निगम के तुगलकी टैक्स की। कोटा नगर निगम के तुगलकी टैक्स के विरोध में कोचिंग स्टूडेंट्स आज सड़कों पर उतरे। छात्रों से 1,000 रुपए टैक्स लेने के फैसले पर छात्रों और उनके परिजनों ने जबरदस्त विरोध किया। कोटा कुन्हाड़ी इलाके में कोचिंग छात्रों ने भीख मांगकर निगम के इस तुगलकी फरमान का विरोध जताया है और फैसले को वापस लेने की भी मांग की है। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका और अभिभावकों ने भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर निगम के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी रखने की चेतावनी दी। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली। नगर निगम के टैक्स के फरमान के बाद से ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोचिंग विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार कोचिंग विद्यार्थी इसका विरोध कर रहे हैं, भीख मांगकर जो है विरोध जताया जा रहा है, क्योंकि टैक्स जो है 1,000 रुपए का टैक्स इन पर लादने की कोशिश की जा रही है। विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने आए। जी, किस तरह का आपका विरोध है, इस टैक्स को आप क्या जायज मानते हैं? जी, हम बिल्कुल मानते हैं कि सब कुछ जो कर रहे हैं हम लोग, इससे गवर्नमेंट जरूर एक्शन लेगी। मेयर सर से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो एक बार एक्शन लें, एक बार सोचे हमारी बात पर। तो पहले ही काफी खर्च एक्शन लेना चाहिए, लगातार विरोध किया जा रहा है, हर तबका इसका विरोध कर रहा है, नेता प्रतिपक्ष जो है वो भी लगातार विरोध कर रहे हैं। जी, किस तरह तक, कहां तक आंदोलन ले जाया जाएगा, क्योंकि निगम ने एक बैठक में तो ये फैसला हो ही गया है। ये राजस्व समिति की बैठक में फैसला हुआ है। राजस्व समिति की बैठक में खुद राजस्व समिति के अध्यक्ष मौजूद थे, हमारी महापौर मौजूद थी, उनकी मौजूदगी में ये कोचिंग स्टूडेंट से 1,000 रुपए वसूलने का जो फैसला हुआ है, कांग्रेस के पार्षद विपक्ष पूरा इसके खिलाफ है, इसके विरोध में है। हमारा जो स्टूडेंट है वो लाखों रुपए की फीस में कई तरह के टैक्स दे रहा है। मैं ईटीवी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कल उन्होंने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और कोचिंग स्टूडेंट की समस्याएं भी जानने की कोशिश की। आज कुन्हाड़ी में कोचिंग संस्थान, कोचिंग जो स्टूडेंट से उन्होंने प्रतिकार जो विरोध स्वरूप है वो नगर निगम के लिए सफाई के पास उनके लिए पैसे नहीं है, तो इन्होंने जो है विरोध स्वरूप भीख मांगी है। आज पूरा स्टूडेंट्स जो है वो आक्रोशित है और बोर्ड की बैठक में इसको पारित करने नहीं किया जाए, इसके लिए पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, चाहे हमें विरोध के लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़े, इस टैक्स को लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि कोचिंग से अगर ये टैक्स वसूला जाएगा तो वो कोचिंग वाले इन बच्चों से ही टैक्स को वसूल करेंगे, और बच्चा जो बेचारा अपना जो पढ़ाई करने के लिए जैसे तैसे अपना घर का खर्च जो अपने अभिभावकों से यहाँ लेके कर रहा है, उस पर क्यों ये जबरन टैक्स लादा जाए? तो इस टैक्स का विरोध जो है पूरी तरीके से किया जा रहा है, पुरजोर तरीके से किया जा रहा है, हर तबका इसका विरोध कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी निगम ने जो स्टेप लिया है उस पर पांव कब पीछे खींचे जाते हैं, क्योंकि जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि इस टैक्स को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सफाई के नाम पर जो पैसा वसूलने की निगम तैयारी कर रहा है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना होगा, कहीं ना कहीं निगम को अपने पैर खींचने पड़ेंगे, क्योंकि कोचिंग स्टूडेंट्स जो है वो अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, ईटीवी न्यूज, कोटा। कोटा में नगर निगम के कोचिंग संस्थानों के शुल्क वसूली फरमान के बाद बीजेपी